नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, और इसके लिए टोटल 450 वैकेंसी जारी की गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज जारी की गई हैं। साथ ही इसकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 13 सितंबर 2023, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 4 अक्टूबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2023। और इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जिनके द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से हैं, वो ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या फिर पास किया होना चाहिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर्म्ड फोर्सेस का। उसी के साथ डिटेल जानकारी के लिए आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और आप इनके ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं जो है rpi.org.in। एज लिमिट जो है इसकी एप्लीकेशन के लिए वो है 21 से 30 साल, और ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिनके द्वारा जारी किया गया। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा इसका, वो अक्टूबर 21 2023 और अक्टूबर 23 2023 में होगा। ये टेंटेटिव डेट है, और मेन एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर 2 को है। टेंटेटिव स्केड्यूल है ये, साथ ही यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ का कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे गिवन है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये डिटेल नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, एज लिमिट की जानकारी गिवन है, और उसी के साथ एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 3 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में गिवन है, इसको भी आप देख सकते हैं। स्कीम गिवन है सिलेक्शन की, तो इसको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। साथ ही जो पे स्केल है वो बेसिक पे जो है वो 20,700 पर मंथ, और पे स्केल जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका मंथली ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट है वो 47,849। तो आप इसको देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले आप इसको ज़रूर गो थ्रू करें। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज़, SC ST PWD और EXS के लिए है 50 रुपीज़। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट रिप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड हैं। लेटेस्ट इवेंट है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप देख सकते हैं टॉप पे ये इवेंट शो हो रहा है, तो आप इजीली हमारे प्लेटफॉर्म पे इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सारे इवेंट सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।